जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं कि जिस चीज़ को आपने काफ़ी दफ़े देखा होगा, इस चीज़ को काफ़ी बार आपने मुंह में रखा होगा, इस चीज़ को आपने कई बार चबाया होगा, लेकिन इस चीज़ में क्या शक्ति नहीं थे इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। कई बार ऐसा होता होगा, जब मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि यह चीज़ जब भी आपने मुख में रखी होगी तब आपको एक अलग तरह की एनर्जी फील हुई होगी। और कई बार जब आप इस चीज़ को अपने मुख में रख करके भूल चूक से भी कहीं यदि किसी कार्य के लिए गए होंगे तो उस कार्य में आपको सफलता मिली होगी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह चीज़ में जो शक्ति निहित है वो इतनी पावरफुल है कि जब आप इसको ग्रहण करते हैं, इसको अपने साथ लेकर के जाते हैं, जब इसको आप अपने मुख में रखते हैं तो यह चीज़ आपके ग्रह नक्षत्र को बदल देती है। जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उसको पावरफुल बना देती है। और यह चीज़ जो है, इस चीज़ के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ से आपका शुक्र मजबूत होता है यह चीज़ उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ ये मत मतांतर से बुध का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो व्यक्ति को जीवन में धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बुध और शुक्र का साथ होना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति के साथ में बुध और शुक्र हैं और दोनों ही ग्रह यदि उस व्यक्ति के मजबूत हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अति शीघ्र बहुत जल्द प्रगति करता है। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि यह जो चीज़ है वो बुध और शुक्र दोनों ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है। मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को आपको कैसे ग्रहण करना है। जैसे आपने अगर इसका इस्तेमाल किया है तो निसंकोच आपको, निसंदेह आपको इसका बेनिफिट मिला होगा, फ़ायदा मिला होगा। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, इस तरीके से यदि आप इसको ग्रहण करते हैं तो चाहे आप किसी भी कार्य में जाएंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। आप देखेंगे कि इस चीज़ का यदि रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह चीज़ आपको सफलता दिलाने के साथ साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपके अंदर जोश बढ़ाती है, एनर्जी लेवल को भी ये चीज़ बढ़ाती है। आपका जो चेहरा है वो सुंदर होने लगता है, आकर्षक होने लगता है। साथ ही साथ आपके शरीर में एक आप स्फूर्ति का, ताकत का महसूस करेंगे, शक्ति आपको महसूस होगी, आप फील कर पाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से यदि आपने इसको ग्रहण किया तो आपको एक नया ही जोश, एक नया ही हर्ष, एक उल्लास आपके शरीर में महसूस होगा। एक नई तरंग, एक बिजली जैसी आपको आपके शरीर में महसूस होगी। और साथ ही साथ आप जिस किसी भी कार्य में जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता हाथ लगेगी। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। ये हरी इलायची है, जो छोटी इलायची आती है ये हरी इलायची है। ये शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करती है और साथ ही साथ मत मतांतर से इसको बुध ग्रह का भी प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो इस चीज़ में बुध और शुक्र दोनों ही के गुण पाए जाते हैं। तो जब आप इसको अपने मुख में रखते हैं और इसका रस जब धीरे धीरे आपके अंदर जाता है तो आपके बुध और शुक्र ये दोनों ही ग्रह मजबूत होते हैं। ये दोनों ही ग्रह के मजबूत होने से आप जिस किसी भी कार्य में जाते हैं वहाँ आपको सफलता मिलती है। क्योंकि जो बुध है वो आपको आपके बिजनेस में सफलता दिलाता है, आपके अंदर शौर्य भरता है, उत्साह भरता है, साहस भरता है, जवानी भरता है। और शुक्र आपको पैसा, टका, वैभव दिलाता है, आकर्षण दिलाता है, चेहरे में तेज बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है। तो इसको रखने से ये होता है। अब इसको आपको ग्रहण कैसे करना है वह मैं आपको बता देता हूँ कि इलायची को जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, वैसे आप इसको नित्य इस उपाय के साथ में कर सकते हैं, हर दिन आपका अगले दिन से बेहतर जाएगा। लेकिन यदि आप विशेष तौर पर जाते हैं, यदि आपको इसकी एलर्जी है या नहीं खा पाते हैं, तो जब आप किसी कार्य के लिए जाएँ तब ये प्रयोग अवश्य करें। तो क्या करें कि जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं तो जो बुध का बीज मंत्र है ओम वो बुधाय नमः, इस मंत्र को आप 5 बार पढ़ें। इलायची को अपने सीधे हाथ में ले लें और उसको देखते हुए 5 बार इस मंत्र को पढ़ें। 5 का जो अंक है वो बुध का अंक है, तो अंकों की दृष्टि से भी ये आपको लाभकारक सिद्ध होगा। साथ ही साथ
ओम राम ह्रीम रोम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का बीज मंत्र है, इसको आप 6 बार पढ़ें, क्योंकि जो 6 का अंक है वो शुक्र का अंक है। दोनों ही मंत्रों को आपको इलायची को देखते हुए पढ़ना है। पहले बुध का मंत्र पढ़ें, इसके बाद शुक्र का मंत्र पढ़ें, फिर इसको अपने मुख में रख लें, इसको अपने मुख में दबा करके रखें, और फिर जिस किसी भी कार्य में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर चले जाएं। जिस किसी काम में जाएंगे आप बिल्कुल चिंता छोड़ करके जाएं, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।